सो भाई साहब, अभी हम लोग ने आपको व्लॉग नहीं दिखाया, पर हम अभी कहाँ गए थे? हम लोग गए थे महावीर रबड़ी भंडार, वहाँ पे हमने कवर किया प्याज और आलू की भाजी, पनीर की सब्जी, पनीर की भाजी, और हमने वहाँ पे नाश्ता भी किया। हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हम चाहते आप लोग है ना, कहाँ जाओ फेसबुक पे, हम लोकल हो चुके थे। हम क्या है, लोकल। अब बच्चा बच्चा भी हमको पूछेगा ना जयपुर में किधर जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अब हम सब बताएंगे है ना। अभी अपन ने क्या क्या कवर किया, आलू प्याज, ये कौन सा डे चल रहा है अपना? आज लास्ट डे है जयपुर का। बहुत दुख सुन के बहुत बुरा लगा। हम फिर से आज चल रहे हैं हवा महल, फिर से हवा महल चल रहे पांचवा दिन और पांचवी बार हवा महल, पांचवी बार हवा महल। हवा महल हमारे दिल में बसा हुआ है। सर पुरानी दुकान है अंकल, ये 70 इयर्स पुरानी दुकान है अंकल ने। अंकल आपने स्टार्ट की थी? मेरे दादाजी ने। आपके दादाजी ने स्टार्ट किया था? ये देख लो, अब हमारी दुकान में अंकल के यहाँ पे हम चाट क्या खिलाएंगे अंकल आपको? आप आलू की टिक्कियां खाओ, छोले भटूरे खाओ, दही बड़े खाओ, पपड़ी चाट खाओ, जो खाना है वो खाओ, पर खाओ। छोला भटूरा है, ये है। दुकान का नाम? दुकान का नाम श्री राम चाट भंडार। श्री राम चाट भंडार किधर? घी वालों की गली, घी वालों का रास्ता 170। कचौरी समोसे और ये क्या है? ये गुजिया पपड़ी चाट बोलते हैं। गुजिया पपड़ी चाट जी, ये जयपुर के सबसे फेमस, जयपुर के अंदर, पूरे जयपुर के अंदर अपनी शॉप पे मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती। वन एंड ओनली कांजी बड़े मिलते हैं, छक्कावाटी दही बड़े मिलते हैं, गुजिया पपड़ी चाट मिलती है, खमन ढोकला मिलता है। खमन ढोकला? हाँ जी। और यहाँ के जयपुर वाले लोगों को क्या पसंद आया? जयपुर वालों को, लोगों को सबसे बेस्ट कांजी बड़े और दही बड़े पसंद आते हैं। कांजी बड़े और दही बड़े, दही बड़े और आलू की टिक्की फेमस, आलू की गुजिया पपड़ी चाट। देख लो अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट में ना, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, टाइम पास 2 घंटा। तो कुछ कहना चाहोगे आप? अभी हम लोग किधर हैं? हमारे अभी अडानी लॉन, अडानी लॉन नहीं प्राइमेस लॉन्ज है। काहे को अडानी को प्रमोट करता है? सॉरी प्राइमेस लॉन्ज है, मुझे लगा अडानी लॉन्ज। क्योंकि हम छोटे मोटे लॉन्ज आते नहीं, तो हमारे प्राइमेस लॉन्ज है। हाँ, और यहाँ पे पर टिकट हमने दिया है 744। 754 रुपीज़, सॉरी भूल गया था, छुट्टा नहीं रखा क्योंकि हमारे पास कार्ड एक्सेस नहीं था। हमने दिया है 754 रुपीज़ यहाँ पे बेचने के लिए पर पर्सन। राकेश प्योर वेज खाना है? प्योर वेज खाना है, कोई बात नहीं। खाना क्या क्या है? पहली बात तो ये है, सबसे पॉजिटिव थिंग यहाँ पे राइस है। पूरे जयपुर में? पूरे जयपुर में हमें राइस नहीं मिलती है। बूंदी का रहता है, काकड़ी है, छोले की सब्जी है, और क्या क्या है? बूंदी का रहता है, छोले की सब्जी, और भाई पनीर की सब्जी और पुलाव है। तानवा सर की कृपा से हम ये सब खाना खा पा रहे हैं। एयरपोर्ट में अच्छा हुआ हम लोग 20 मिनट पहले आ गए थे, और अभी चेक इन होने वाला है। चले चल राकेश। देख लो फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है, अभी चल ही रही है। तो देख लो फाइनली हम लोग मुंबई वापस आ चुके हैं, और कल से मुंबई के सारे व्लॉग्स आते रहेंगे ना राकेश भैया। कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, आप बस घर पहुँचना है और सो जाना है। तो लेट्स एंड द व्लॉग। और कौन सी नया सिटी जाना है आप लोग है ना, कमेंट करके बताने के लिए ना, तो हम थाना सर को रिक्वेस्ट डालेंगे ना। तो हमें फॉलो भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।